सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उदार बनो पर इस्तेमाल न होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों को सुनो लेकिन अपनी आवाज न खोने दो। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। जब आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती तब आपका विश्वास टूट जाता है। आज का पंचांग 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 4:01 तक रहेगी। इसके उपरांत वृक्षेशा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। धनुराशि 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, किसी जटिलता की वजह से योजनाओं में देरी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, शायद आर्थिक मदद की भी। लेकिन आध्यात्मिकता और आत्मा की खोज के लिए समय निकालें। आज आपको व्यक्तिगत प्रयासों से शानदार परिणाम मिलेंगे। कड़ी मेहनत और योगदान के लिए आपको तारीफ मिल सकती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। लगातार असफलता मिलने पर भी अपने उत्साह को ना खोना ही सफलता ही है। कोई रुके हुए पेमेंट वगैरह मिल जाने से राहत रहेगी और कोई पुराना कर्ज भी उतर सकता है। आप अपने आत्मविश्वास और चातुर्य से कोई भी काम निकलवाने में सक्षम रहेंगी। दिन ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य के पठन पाठन में भी व्यतीत होगा। पुरानी समस्या दूर हो सकती है लेकिन बढ़ रही निराशा को दूर करना जरूरी होगा। परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकता है। पैसों से संबंधित नुकसान के बारे में विचार ना करें बल्कि आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश करें। निवेश से जुड़ा कोई निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा संबंधित निर्णय लेते समय अन्य अवसरों के बारे में भी विचार करें। पार्टनर की बातों की वजह से अपनी गलतियाँ मालूम होगी। खुद संबंधित कोई समस्या हो सकती है, सेहत पर ध्यान दें। सावधानियाँ, आज आपको कोई समस्या हो सकती है। इस वक्त कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ विवादों में ना पड़े वरना रिश्तों में दरार आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका पार्टनर पूरा साथ आपका देगा, इसके बदले में आपका साथी आपसे केवल प्यार व केयर की मांग कर सकता है। उसके हर संभव मदद करें और साथ दें। अब आपको समाज में प्रशंसा के साथ साथ नई पहचान भी मिलने वाली है। नए सुझावों और दिशाओं का खुले दिल से स्वागत करें। आपका साथी भी आपकी समझदारी की कद्र करेगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें और भावनाओं में ना बहें। बात करते हैं करियर की। अपने धन आभूषण या कीमती सामान का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपके सितारों के अनुसार आज चोरी या नुकसान की संभावना है। समय सीमा में विलंब ना हो इसके लिए पूरी योजना बनाएं और उसके अनुसार कार्य करें। कुछ समय निकालें, अपने दिल की सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। कड़ी मेहनत के कारण आज आपको शानदार परिणाम मिल सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत आज सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, साथ ही आपको तारीफ भी मिलेगी। अपनी भावनाओं को अनदेखा न करें। अपने दोस्तों और दुश्मनों को समान रूप से मिलें। याद रखें, महत्वाकांक्षा आपको आगे बढ़ा भी सकती है और आपको ऊंची उड़ान भी दे सकती है। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा मेहनत और तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। योग और मेडिटेशन को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कईयों को खून संबंधी समस्या भी हो सकती है,
उन्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। आज का उपाय, आज अपना नहाते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।